हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज मैं आपके लाऊँ आईपीएल 2023 के दोस्तों जो है आपका 25th मैच की मैच प्रेडिक्शन है। जो 25th मुकाबला ये खेला जाएगा दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच, और जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा आपका 18 अप्रैल की शाम को 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार। तो मैच में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नए हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ, सेशन भी आपको टेलीग्राम में दिया जाता है, टॉस भी आपको टेलीग्राम में दिया जाता है, सिर्फ दोस्तों प्रेडिक्शन नहीं दी जाती है। तो सिर्फ ज्वाइन हो जाएँ, ठीक है गाइस। और यहाँ तक कि आपको दोस्तों ट्रेडिंग भी कराई जाती है, एंट्री कब लेनी है, कब लॉस कर बुक सर, पूरा अपडेट आपको टेलीग्राम में दिया जाता है। तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं अपने दूसरे चैनल डॉली बैटिंग टिप्स के चैनल का प्रमोशन करूँ तो आप सभी लोगों को ज्वाइन होना है, क्योंकि मेरा ही चैनल है और कोई भी मैच प्रेडिक्शन मेरे किसी भी चैनल में आपको आ सकती है। कई बार ऐसा होगा सॉल्यूशन हमें चैनल में प्रेडिक्शन ना आके कुछ सीधा आपको डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में मिलेगी, तो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है गाइस। अगर आप ज्वाइन नहीं होते तो उसमें आपकी गलती है। तो गाइस ये मुकाबला ये खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। तो मैं अगर मुंबई इंडियंस की टीम पर ना डालूँ तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, पिछले मैच में क्या पारी खेली ईशान किशन ने, और सूर्य कुमार यादव। तो फाइनली सूर्य कुमार यादव का भी फॉर्म वापस आ गया है, ठीक है। ऋतिक शौकीन है, थोड़ी बहस हो गई थी, दोनों दिल्ली के हैं ऋतिक शौकीन और नीतीश राणा, पर नीतीश राणा को थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए कि नीतीश ऋतिक शौकीन जो है अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, और नीतीश राणा को ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया था। और एली मैड्रिथ है दोस्तों, पीयूष चावला है इस टीम में, ठीक है गाइज। और आपका अर्जुन तेंदुलकर, तो तेंदुलकर फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कल, प्राउड मोमेंट था पिछले मैच में। अर्जुन तेंदुलकर ने फाइनली MI की तरफ से अपना डेब्यू किया और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई थी। स्पीड कम है पर धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है। इस तो ये तो थी मुंबई इंडियंस की टीम। वह अगर मैं सनराइजर हैदराबाद की टीम में डालूँ, हैरी ब्रुक क्या बेहतरीन तरीके से पिछला मैच खेला था उन्होंने। हैरी ब्रुक है गाइज, और आपका मयंक अग्रवाल है, एडिन माकरम है, हेनरी क्लासन है, राहुल त्रिपाठी है, अभिषेक शर्मा है गाइस, आपको टी नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, आदिल राशिद है, अब्दुल समद है, उमरान मलिक है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो इसमें तो कोई शक नहीं है, पल्ला तो दोस्तों मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी है। हमारे दोस्तों इन दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबलों पर ना डालते हैं, 5 में से 3 हार कर आ रही है सनराइजर हैदराबाद, और 5 में से दोस्तों 2 जीत कर आ रही, 3 जीत कर आ रही है MI, ठीक है गाइस। दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, 5 बार जीती है सनराइजर्स हैदराबाद, 5 बार जीती है MI। इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला हुआ था, 3 रन से MI जीत जो है दोस्तों मुकाबला हार गई थी, उससे पिछला MI जीती थी, उससे पिछला MI जीती थी, फिर सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है गाइस। तो 5 में से दोस्तों 3 जीत कर आ रही है MI, 2 जीत कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद। अब आइए दोस्तों इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों में नडाल है, तो 30% विनिंग परसेंटेज है सनराइजर हैदराबाद का, 60% विनिंग परसेंटेज है दोस्तों MI का, 159 है दोस्तों सनराइजर हैदराबाद का एवरेज स्कोर, 190 है MI का, 121 लोएस्ट स्कोर है सनराइजर हैदराबाद का, 103 है MI का। इस वेन्यू पे बात करूँ तो 60% विनिंग परसेंटेज है सनराइजर हैदराबाद का, 60% ही है MI का दोस्तों, 160 रन है एवरेज स्कोर सनराइजर हैदराबाद का, 141 है MI का, 231 हाईएस्ट है दोस्तों सनराइजर हैदराबाद का, 172 हाईएस्ट है MI का, 96 रन लोएस्ट है सनराइजर हैदराबाद का, 114 है दोस्तों MI का। इस ग्राउंड पे मैं अगर बात करूँ तो 143 बनाए थे पंजाब ने, बड़ी आसानी से चेस किया था सनराइजर हैदराबाद ने, 203 रन बनाए थे राजस्थान ने, बड़ी आसानी से हार गई थी सनराइजर हैदराबाद, 186 बनाई थी ऑस्ट्रेलिया ने 120 ओवर में, और भारतीय टीम ने 187 बनाए थे, वही हार्दिक पांड्या ने जो मैच खत्म किया था। तो अगर मैं और भी स्टैट्स के ऊपर नजर डालूँ तो और भी स्टैट्स कुछ इस प्रकार हैं, 6 ओवर में आगे बनते हैं पहली पारी में 64, दूसरी पारी में 38, 10 ओवर में आगे बनते हैं पहली पारी में 93, दूसरी पारी में 68, 15 ओवर में आगे बनते हैं पहली पारी में 123, दूसरी पारी में 115, 20 ओवर में आगे बनते हैं पहली पारी में 170, दूसरी पारी में 131,
तो गाइस अगर आपका 170-180 का टारगेट है तो इस ग्राउंड पे चेस करना टफ होता है। तो जिसको भी सेशन खेलना है मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको उस वीडियो के फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस सेशन भी आपको फ्री में टेलीग्राम में दिए जाते हैं, एक भी रुपया कभी ना लिया गया ना लिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ज्वाइन हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरा जो दूसरा चैनल है डॉली बैटिंग टिप्स, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन में डाला करूँ तो ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है और सभी लोगों को ज्वाइन होना है गाइस उसमें, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि गाइस जितने भी लोग मुझे सॉल्यूशन में फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूँ सभी के सभी डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में जरूर ज्वाइन हो, क्योंकि गाइस मेरा ही चैनल है और कोई भी मैच प्रेडिक्शन मेरे किसी भी चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो भाई ये चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट कहती है गाइस, आपका 68 मैच हुए हैं, 29 जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली ने, 36 जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली ने, एक मुकाबला जो है दोस्तों टाई रहा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 158 रन का रहता है, हाई स्कोर सनराइजर हैदराबाद का है 231 पर लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स, लोएस्ट स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का है 80 पे ऑल आउट हो गई थी। ठीक है गाइस, स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ 150 से कम 34 बार, 150 से 170 के बीच का स्कोर दोस्तों 10 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर दोस्तों 9 बार, 190 से ऊपर स्कोर 13 बार बन चुका है। तो गाइज ये तो था स्कोर पिच रिपोर्ट। अब आइए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन पर डालूँ, ईशान किशन ओपनिंग करेंगे कैमरन ग्रीन के साथ, तिलक वर्मा नंबर 3, सूर्य कुमार यादव नंबर 4, टिम डेविड नंबर 5, नेहल वधीरा नंबर 7, अर्जुन तेंदुलकर नंबर 8, ऋतिक शौकीन नंबर 9, पीयूष चावला नंबर 10, पीयूष चावला नंबर 9, रायली मेडरथ नंबर 10, सॉरी ड्वेन जॉनसन नंबर 10, रायली मेडरथ नंबर 11। अगर मैं सनराइजर हैदराबाद की टीम पर डालूँ, हैरी ब्रुक ओपनिंग करेंगे मयंक अग्रवाल के साथ, राहुल त्रिपाठी नंबर 3, एडन मकरम नंबर 4, अभिषेक शर्मा नंबर 5, हेनरी क्लासन नंबर 6, मार्को जेंसन नंबर 7, भुवनेश्वर कुमार नंबर 8, मयंक मरकंडे नंबर 9, बुरहान मलिक नंबर 10, टी नटराजन नंबर 11। तो ये तो थी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन। अब आपको मैं बताता हूँ वो करना क्या है। आपको जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि गिव अवे का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कौन सबसे ज़्यादा रन बनाएगा और कौन सी टीम जीतेगी। जिसका भी सबसे पहले सही आंसर होगा उसको 500 का गिव अवे मिलेगा। ठीक है गाइस, तो रेडी हो जाए जवाब देने के लिए। तो सब और दूसरी बात दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको फोटो के फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो ज्वाइन हो जाए। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ। और दोस्तों गाइस सेशन भी आपको फ्री में दिए जाते हैं, पूरी एंट्री आपको फ्री में दी जाती है, तो ज्वाइन हो जाइए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा कहीं पर भी कोई लिंक मिले टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। और एक बात और दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है डॉली बैटिंग टिप्स नाम से, उसका लिंक मैं जब भी सॉल्यूशन अब मैं डाला करूँ तो ज्वाइन हो जाए करो, क्योंकि मेरा ही चैनल है। ठीक है गाइस, और सभी को ज्वाइन होना है उसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शंस वहीं आएगी। ओके गाइस, तो मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी वो होगी आपका मुंबई इंडियंस। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन टेलीग्राम पे दे दूंगा आपका टॉस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।